क्लास ट्वेल्थ चैप्टर फाइव क्वेश्चन नंबर 17। ये इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन है, इसे जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, गुडविल। तो ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:2:1। डी इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर, सी विल रिटेन इट्स ओल्ड ओरिजिनल शेयर। सो हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइजिंग रेशियो। सो कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइजिंग रेशियो। तो हम ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, हमने ये क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 10 के जो पार्ट्स हैं उसमें हमने ये क्वेश्चन किया था। तो एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं, कुछ और गिवन तो है नहीं, ओल्ड रेशियो है, न्यू पार्टनर का शेयर है। तो पहले हम रिमेनिंग शेयर निकालेंगे। रिमेनिंग शेयर में जो न्यू पार्टनर का शेयर है वो तो माइनस करना ही है, 1 - 1/6 जो डी लेके आ रहा है, और जो सी रिटेन कर रहा है अपना ओरिजिनल शेयर उसका भी शेयर हम माइनस करेंगे, तो उसका शेयर है 1/5। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 30 - 5 - 6, तो ये आ जाएगा 19/30। अब सी का शेयर नहीं देखेंगे, अब ओल्ड रेशियो क्या होगा, सिर्फ 2:2 होगा क्योंकि सी तो अपना ही शेयर रखेगा, तो ओल्ड रेशियो हो जाएगा 2:2 या 1:1। इसे डिवाइड करेंगे, ए का शेयर 19/30 × 1/2, 19/60। बी का शेयर 19/30 × 1/2, फिर आएगा 19/60। सी का शेयर है 1/6, इसे भी 60 बनाएंगे तो आएगा 10/60। डी का शेयर भी 1/6 है, इसे भी 60 बनाएंगे तो आएगा 10/60। तो हमारा न्यू रेशियो हो जाएगा 19:19:10:10। तो ये आ गया हमारा न्यू रेशियो। अब सैक्रिफाइजिंग रेशियो देख लेते हैं। सैक्रिफाइजिंग रेशियो देखो, सी ने तो अपना ही शेयर रिटेन किया है तो सी का तो सैक्रिफाइजिंग होगा ही नहीं, और कुछ गिवन नहीं है तो ओल्ड ही सैक्रिफाइजिंग होगा, बट सी का शेयर नहीं आएगा क्योंकि सी ने कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं किया है। तो सैक्रिफाइजिंग रेशियो यहाँ तो होगा 2:2, ये 2:2 को हम क्या बोलेंगे, 1:1। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। इस क्वेश्चन के साथ हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे गुडविल के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं एंड देन हम उसके क्वेश्चंस टीएस गरेवाल से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।